आती रहेगी बहारें, गिरती रहेगी बहारें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितने बजे हैं? सुबह के बजे हैं 4:30, और बाहर हो रही है लगातार बारिश। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से धर्मपुर के लिए। पापा भी हैं, मैं भी हूँ, और रौनक के पापा भी हैं। पहले मैं अकेले जा रही थी, लेकिन बारिश हुई और इनका दिल नहीं माना, बोलती है मैं भी चलता है। कहाँ जाएगी रिला में सफर में? चलो हम तीनों ही निकलते हैं, अभी लेट हो रहे हैं क्योंकि बाहर रात भी है और बारिश भी हो रही है। तो जैकेट भी डाले हमने साथ में, क्योंकि ठंड तो लग ही जाएगी। इतने ठंडा हुआ है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर मान लो बारिश नहीं हो रही होती ना, तो भी काफ़ी अच्छा होता। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ भालू पड़े हैं रात में, तो हम इकट्ठे जैसे जाएंगे सारे। वैसे रोड नज़दीक ही है, भालू इतने हैं कि सुबह 8-10 बजे भी देखे जाते हैं। अगर हम अभी टाइम से जाएंगे ना, तभी हम जल्दी पहुँचेंगे, क्यों है ना। और मैं ना नींद में ही उठी हूँ। अभी घर से लगभग 14 किलोमीटर आगे आके हमारे लिए प्रेशर हुआ, प्रकैशना इसको बोलते हैं। रात खुली है, और मैं वो बताऊँ आपको, वो नारकंडा दिख रहा है वहाँ, अभी हमें जाना है। तो हमारे घर से नारकंडा लगभग 24 किलोमीटर है, और बारिश भी हो रही है झमाझम। लेकिन हमें जल्दी पहुँचना है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा बाहर रुकी है, थोड़ी हवा जैसी ली, क्योंकि मेरा दम जैसा घुट जाता है जैसे नाइट में हम ड्राइव वगैरह करते हैं ना। इंडिया चलाओ ना, नैनो से बांध रहे। ठंडा नहीं ना पापजी है, लगा है कुछ कॉलेज से हो रहे अंदर से डाले पापा ने गरम। आप फुल लगी है? नहीं मैं कोई लगी, हमें फुल टैग, मैं वो फुल टैग मुझे पता है ना। पता है कितनी ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर होगा, दिसंबर जनवरी की जैसी ठंड है। और कमेंट्स आते हैं कि आपके 41 डिग्री टेम्परेचर है, किसी का बहुत सारा है। तो यहाँ पे इस बार गर्मी हुई नहीं, इस बार ठंडा ही है। बीच में 2-3 धूप लगती है, तो हल्की सी गर्मी धूप में लगती है, और फिर बारिश हो जाती है। बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा, और ठंडा हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कितना हो टाइम। मध्याना क्रॉस किया है हमने 6 बजे। नजरा ना ज्यादा फर्क है सजना, कि ये तू जय लग दी गई, ये तू शायद कि मैं हां मैं ये जी गाड़ी पे लिखा हुआ ट्रक वाला पिकअप में, हमने भी लिखना गाड़ी में पीछे ऐसा दिखती। ढली सब्जी मंडी, यहाँ शिमला और किन्नौर के फल लाते हैं अभी इस थोक में। ए देखो फ्रेंड्स कैसी बिल्डिंग है शिमला में, कभी भी ऊपर से कुछ भी हो सकता है, तगड़ा जैसा भूकंप का झटका आएगा ना, डेंजरस है। कच्चे पे लग रही है ये, बाकी आप गाइस बताना कैसी लग रही है आपको। आप चिल्के नहीं लगे, लग दी क्या, नहीं लगी, लग दी काचा का, नहीं लग दी जैसे पापा का है, पापा का है, पापा को भी कच्चे पे लग रही है। मिट्री से तो काफी अच्छा था, मिट्री में तो बड़ा गंदा था। शुरू में जो भी आता है ना ज्यादातर उधर ही जाता है, फिर बाद में सिंजौली अच्छी जगह थी। मेरा कॉलेज बाहर है, देखो रेड बिल्डिंग, हाँ वो सामने, वो इधर वाली, ये वाली। यहाँ बोलते हैं जी नगाली, नगाली ढाबा, यहाँ पियेंगे हम चाय। कहाँ है वो, आ जाओ। ये वाली टूटी फ्रूटी ग्रीन वाली मैंने भी बनाई है, और इस तरह का बनाऊ, गीला हो गया। पापा भी लग गए हैं, भूख जैसे लग गई थी, और इतनी बारिश हो रही थी ना कि हमें यही मिला एक, तो भी फटाफट से खाते हैं। और इस जगह पे इतने अच्छी चाय बनी थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी। और मैंने क्या देखा है कि जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया चाय वगैरह बनती है, और जो जितनी बड़ी शॉप होगी या रेस्टोरेंट होगा उतनी खराब चाय बनती है। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हमने
टारगेट है हमारा कि 9:30 बजे से पहले हमने हॉस्पिटल में पहुंचना है। ये ना एक पिंकू एक में 110 रुपए का एक परांठा। हाँ, और यहाँ पे कितना था, मतलब हम तीनों ने चाय पी खाया वाया सब कुछ 60 रुपए में। हाँ, ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे है देखिए, ये अब नाम नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, यही खा लेंगे, पंकज दा ढाबा। हाँ, लंच करेंगे अगर जल्दी नहीं पड़ गया तो। सुबाथु रोड, हाँ, यहाँ से हम धर्मपुर से अंदर को मुड़ गए सुबाथु रोड में, तो अभी हम आगे जाएंगे लगभग कितना 1.5 किलोमीटर, पता नहीं मोड़ने लाए गाड़ी। अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये देखिए पीछे, ये पूरा है वो वाला हॉस्पिटल। यहाँ पे भी पापा इस वाले रूम में एक बार एडमिट थे, और ये आगे तक पूरा ही है हॉस्पिटल जोन। अभी पापा का नंबर भी लग गया है, पापा का नंबर लगभग 14-15 लगा है, देखो ये वाला सारा ही किले किले बोलूँ चलो किले। तो ये पिछली साइड को हॉस्पिटल है, यहाँ पे ही एडमिट वगैरह होते हैं, और ऊपर को लैब वगैरह भी है, और यहाँ से जाते हम जैसे रोड के निचली साइड है, नीचे को यहाँ निचली साइड को बैठते हैं डॉक्टर वीरेंद्र मोहन करके, यहाँ पे मेन जो हॉस्पिटल के पहले सबसे पहले जो डॉक्टर थे, आजकल शायद उनकी तबीयत ख़राब है या क्या, तो दूसरे एक डॉक्टर मिले, काफ़ी अच्छे थे वो भी। और यहाँ देखिए 9 बजे हम पहुँच गए, और यहाँ इतनी रश होता है ना, इतना रश होता है कि यहाँ बैठने के लिए जगह है लेकिन फिर भी कुछ लोग खड़े ही होते हैं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेकर देश के हर कोने से लोग आते हैं, और लोग ठीक हो जाते हैं। इस चीज़ को ना ये है कि दबाना नहीं चाहिए, अगर कोई डिप्रेस्ड है तो वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से उनका इलाज काफ़ी अच्छा चलता है। मैं देखिए थोड़ा रोशनी है ना, हम 2 घंटे बैठे रहेंगे हम भी। तो डॉक्टर से मिलने के बाद पापा को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जैसे पापा गिर जाते हैं ना तो पापा का शुगर टेस्ट होगा, हर चीज़ की दवाइयाँ फिर यहीं से ही मिल जाती है, सारे टेस्ट हुए पापा के टोटल टेस्ट, और उसके बाद हम चाय अभी हम चाय पियेंगे, अभी पापा जी के हुए हैं टेस्ट, और बाकी भूख भी लगी हुई है क्योंकि 1 बज गया है, अभी जाके पापा का नंबर लगा है। ए वाला जो ये वाला है ना, ये वाला रूम, ये तो व्यस्त तुम पापा एक बार एडमिट है ना, ये सबसे इधर वाला, ये स्पेशल वार्ड है यहाँ पे पापा रहे हैं, यहाँ पे मेरे यहाँ सो सारा दर्द ना ना, वो तो शुरू में जब तुम्हें तो तीन दिन आ तो देख तो 16-17 दिन इस वे, फिर उस उधर साइड को भी थे, अच्छा है यहाँ पे अंदर को भी इतना अच्छा है। और हाँ, एक एक जो भ्रांति है ना लोगों की, वो ये है कि यहाँ पे मतलब कि जैसे पावन को हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ना साइको पेशेंट से अच्छे से इलाज किया जाता है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी होते जो पर की ही दुनिया में चले जाते हैं, मतलब कि साइको के आगे वाली, पापा का साइको तक ही चला। वीरेंद्र मोहन, हाँ बे, तो अच्छा है यहाँ पे पापा का इलाज, यहाँ पे किधर बहुत सुपर पार्टी वाला ना 25-30 साल से। हाँ, दादू और नानू लेके आए थे इनको, जो पहली बार लेके आए थे, अब तो दादू नानू भी नहीं है, उसके बाद बीच बीच में पापा खुद आते थे, इस बार पापा को भी ठीक है, पापा गाड़ी भी चलाते हैं, सिलाई भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं, ये सब चीज़ें से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग पता क्या यहाँ पे आने को ऐसे समझते कि बड़ा बड़ी अपराध होगा ना, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैंने अपनी साइड भी देखे जिनको ये दिक्कत है साइको से संबंधित, तो जैसे डिप्रेस्ड होते हैं जो लोग, वो पता क्या करते हैं, वो आना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चाय भी है, मिल जाती है, जैसे कोई डिप्रेशन जो ये चीज़ होती है डिप्रेशन से शुरू होती है, बन नहीं है। और फिर लोग आने से, हाँ दे दो एक, आप भी खा लो, तीनों को दे दो एक, यहाँ की मठिया पता नहीं, हम सुबह से मठिया ही खाते जा रहे हैं, पर मठिया अच्छी बनती है, बिल्कुल पतली पतली सी, और चलिए इसको खाते हैं, फिर बाकी बाद में जाते हैं, पापा को क्या बोलें और पापा को जो दिक्कत है उसके बारे में क्या बोलें। 2 बजे हम यहाँ से फ्री हुए, और अभी हम निकलते हैं यहाँ से वापस, अच्छी बात ये हो गई कि बारिश ठीक हो गई, थोड़ी गर्म हो गई, पापा को भी दे दी है दवाई शवाई सारी बदल के की, चेंज की पापा की दवाइयाँ थोड़ी, बाकी वही थी ठीक थे पापा, बस वही जो बैलेंस वाला होता है, वो शुगर का भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, और क्या बताया, उम्र भी है वही वही, अब
मेरे पापा बुढ़े हो गए। क्या सही बुढ़े के 62 वर्ष हो गए। हां तुम 62 की 62 नहीं बाबजी 60 वर्ष है तुम्हें। कौन बोला 62 बॉर्न है तुम्हें। कितना 62 अगर तुम्हें 62 है ना सन 62 है तुम्हें। हां 1962 है तुम हुए ना। 1962 हूं ना। जाता तो मैं अबे पंचायत थ्रू है ना। पंचायत में पापा जी का था ना। 60 वर्ष हुआ है। 60 के मेरे पापा जी। पर पापा ने अपने आप को ठीक मान लिया है। अलग ही बड़े चलो वो तो ठीक है। हो सकता है कोई नए सब्सक्राइबर जो मेरे मुझसे जुड़े हों वो लोग सोचेंगे कि पापा को क्यों ले गया कैसे ले गया। तो पापा जो है मेरे मैं तब 13-14 साल की थी। मेरे पापा तब से यहाँ से इलाज चला है और पापा की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। काफ़ी इतनी कि मतलब कि बीच में बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे हम। लेकिन जब से यहाँ से इलाज चला है पापा एकदम से स्वस्थ हैं। कार ड्राइव भी करते हैं मतलब कि अब तो उतनी नहीं करते हैं लेकिन बीच में काफ़ी ज़्यादा की है। ड्राइविंग है स्टिचिंग की हुई है खेतों में बाग बगीचों में सब काम किया हुआ है। पापा बिल्कुल ठीक हैं। तो हम यहीं से ही पापा का इलाज और इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो यहाँ आ सकते हैं। ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि ये एक के साथ हो किसी के साथ भी हो सकता है। अब चल पड़े हम धर्मपुर से।